जिस समय से गहलोत सरकार ने किसानों के लिए 100 यूनिटें फ्री की हैं, उसके बाद से ही ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए बिजली एक समस्या बन गई है। आपको बता दें कि नागौर वे पूरे राजस्थान में भी ग्रामीण इलाकों में किसान लोग बिजली की समस्या से त्राही त्राही कर रहे हैं। आए दिन लोग बिजली की समस्याओं को लेकर कभी एक्सियन ऑफिस, कभी जैन के ऑफिस यानी ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि जितनी बिजली की ज़रूरत होती है उनको भरपूर बिजली नहीं मिल रही है। आज नागौर ज़िले के पांचोड़ी खींवसर विधानसभा क्षेत्र के लोग नागौर एसी के पास पहुंचे हैं और अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं। लोगों का क्या कहना है, हम उनसे बात करेंगे कि जो गहलोत सरकार ने 100 यूनिट वो फ्री की है, उसके बाद उनकी क्या रुझान है। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम केसाराम है। हाँ केसाराम जी, बताइए आज ना यहाँ पहुँचे हो आप ज्ञापन लेके बिजली की समस्या को लेकर। गहलोत सरकार ने 100 यूनिट फ्री किया है और उसको लेकर। सर, 100 यूनिट फ्री करने से क्या फ़ायदा हुआ? लाइट तो आती नहीं है, फसलें हमारी नष्ट हो चुकी है, क्या करें बताओ। हम तो अभी 5 लाख रुपये लगाया खेती में, क्या होगा बताओ। फसलें तो हमारी जल चुकी है, क्या होगा बताओ। सरकार लाइट देती नहीं है, पीछे से वोल्टेज आते नहीं है, वोल्टेज आता तो ये ना तार टूट जाते हैं, क्या करें बताओ। कोई कोई बार बार ट्रिपिंग हो जाती है, कोई हमारी सुनवाई करता नहीं है। यहाँ क्यों सर जाते हैं तो बोलते हैं नागौर जाओ, और नागौर वाले बोलते हैं आपकी हम अभी ये ना सुधार कर देंगे। ये अभी ये ना कम से कम 5 साल हो गई इसी हिसाब से चल रहा है, तो हम बताओ क्या करें। हमको तो आखिर मरना पड़ेगा, किसान लोगों को तो बिजली का बिल तो आ जाता है टाइम से, क्या आप लोग बिल नहीं भरते हो, तो हम बिल भरें कैसे। फसलें तो हमारे हो ही नहीं रहे, तो बिल हम कैसे भरेंगे। नहीं, हमारा किसी से मांग के पैसा लेके आए तो हम वो लोग तो आ जाएंगे यार, क्या तुम ब्याज नहीं देते हो, पैसे नहीं देते हो, हमारी फसल नहीं होती, हम लोग पैसा कहाँ से देंगे। अभी है ना, मेरे ऊपर सपोज लेता हूँ, मैंने खुद ने अभी है ना नई ट्यूबवेल करवाई है, कम से कम 12 लाख रुपये लगे मेरे को, तो मैं वो 12 लाख रुपये की पूर्ति कहाँ से करूँगा। सरकार ने तो कनेक्शन निकाल दिया है, क्या तुम्हारा ये कनेक्शन आ गया और तुम्हें ट्यूबवेल खुदा लो, तो हमने वो ट्यूबवेल तो खुदा ली, लेकिन अभी उसके अंदर लाइट ही नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करें। कृषि कनेक्शन का कोई यूनिट माफ नहीं हुआ है। अशोक गहलोत तो बोल देता तुम 100 यूनिट फ्री कर दूंगा, 200 यूनिट फ्री कर दूंगा, क्या हुआ फ्री करने से, कोई फायदा नहीं फ्री करने से, यूनिट भी नहीं पहुंचता, तो क्या हमारा फायदा क्या हुआ फ्री होने से। तो हमारा तो एक ही मांग है, एक हमारा फिल्टर नया हो, और एक जीएस की मांग है, और जीएस जब तक नहीं होगा हमको तो कुछ करना पड़े, नहीं तो हमको मरना पड़ेगा, ये तो निश्चित है, मरना पड़ेगा, कुछ तो होगा ही ना, क्या करें बताओ। ये है, और कोई सॉल्यूशन, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों सर जाते हैं तो वो हो जाएगा, अब यहाँ अंदर गए कि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, मेरे को नहीं लग रहा सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हम तो यहाँ पहले बहुत बार आ चुके हैं, क्या करें बताओ। जी सर, आपका नाम क्या है? देवाराम नाम। देवाराम जी, बताइए क्या समस्या लेकर आ रहे हैं? समस्या लाइट की लेकर आ रहे हैं, बार बार लाइट ट्रिपिंग हो रही है, और अशोक गहलोत ने कहा 2000 यूनिट, हमारे गांव में किसी एक भी किसान के 2000 यूनिट माफ नहीं हुए, सबसे बड़ी ये समस्या है। जो बिल पहले आ रहा वही बिल आ रहा है, वो घरेलू में जरूर 100 यूनिट फ्री हुए, लेकिन ट्यूबवेल के कनेक्शन में कोई यूनिट फ्री नहीं है, भारी समस्या लाइट की। कितने दिनों से समस्या? 15 दिन से, बाकी फुल समस्या। पहले तो 2-3 घंटे बरसात हो गई, इतना हुआ नहीं, और 15 दिन के बाद में फुल समस्या। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पुरगा राम है साहब। पुरगा राम जी, बताइए क्या मांग लेकर आ रहे हैं? राम से राम सुनवाया साहब, लाइट है नहीं, तार टूट जाता है, और फसल जल रही है, और क्या करें। फिल्टर अलग लोड है, हेलो, एक फिल्टर के मार 100 ट्यूबवेल है, लाइट चले को नहीं, आवे ट्री पूजिए, आवे ट्री पूजिए, एर कने तार टूट जाए, आज 10 दिन कोई लाइट नहीं है, फसल जल रही है, ये बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम है, और पांचोड़ी जीए से जो फिल्टर निकलता है रामदेव नगर, उसमें 15 दिन से लाइट किसानों को 1-2 घंटे मिलती है, वो भी ट्रिप के अंदर 10 मिनट चल के कट जाती है, किसानों के मोटरें जल जाती है, और लाइट ना हो कि कोई कम, बिल्कुल 100-150 वोल्टेज में लाइट मिल रही, और एसी एन जैन सबको हमने यज्ञ दे दिया,
हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जीएस वाले बोलते हमारे फिल्टर निकालने के लिए कोई जगह नहीं है और जीएस चल रहे ओवरलोड समस्या के लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसानों को फसल जल चुकी है, लाइट की बहुत बड़ी समस्या। सर सर आपका नाम क्या है? हाँ कृष्णा राम साहब। कृष्णा राम जी कटू आया होते हैं? मैं यहाँ राम सर हूँ। कहीं समस्या है? समस्या लाइट वाली है। लाइट अभी कौन सा फसलना बड़े है? कितना दिन वो ना रही? 5-10 दिन हो गया। आपका नाम? मारो नाम मोतीराम है सर। मांग लेके हम भी लाइट के बारे में लेके आए हैं सर। 150-200 किसान इकट्ठे हुए हैं, 3 दिनों से धरना दे रहे हैं कि पीछे चलो पीछे जाके। अब कहाँ जाएंगे? नागौर मेल दिए हमको, खेवसर चले गए, पांचोड़ी चले गए, इकट्ठे हो गए। इसकी कोई समस्या की समाधान नहीं है। हमको बोलता है करवा देंगे, लाइट का फिल्टर करवा देंगे, वो करवा देंगे, करते कोई है नहीं है। 2 किलोमीटर लाइन पिछले साल खींची थी, इस साल वही समस्या हो गई। और कनेक्शन कार्ड के 70 ट्यूबवेल थी, अब 150 ट्यूबवेल कर दी उसी फिल्टर के अंदर। कोई ट्रिपिंग का मामला नहीं है। इसको हमको आश्वासन देकर शांतिपूर्वक बचाए, कैसे भी बचाओ। आज आपने ज्ञापन दिया, आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि हम आपको जल्दी करवा देंगे, सुधार करवा देंगे, लेकिन सुधार होने का लग नहीं रहा है। इसका कोई सुधार नहीं हो रहा। किसानों के साथ में बहुत अन्याय हुआ है, अब कैसे सुधरेगा कोई पता नहीं है। अभी इधर जोशाद, भवाद, लोणदा, रायदणो, शिवपुरा सहित कई गांव के ग्रामीण यहाँ विद्युत विभाग की बिजली के प्रति लापरवाही को लेकर इकट्ठे हुए। अभी एसी साहब को ज्ञापन भी दिया। हमारी ये मांग है कि मौसम मानसून की बेरुखी है और फसलों के हालात अभी अच्छे नहीं है, फसलें नष्ट होने के कगार पर है। ऐसे में सरकार की जो घोषणा है 6 घंटे निर्बाध बिजली देने की, वो भी 6 घंटे में 6 बार ट्रिप होती है और जो वोल्टेज 400 वोल्टेज होने चाहिए वो ट्यूबवेल वालों के वहाँ वोल्टेज आ रहे हैं 150-200। मोटरें जल रही है, किसानों को पिछले हफ्ते 10 दिन में भारी नुकसान हुआ। कम से कम 50 ट्यूबवेलों पर 50 मोटरें जल गई। एक मोटर को रिपेयर करवाने में 20 से 30 हज़ार खर्चा आता है। ऐसे में ज्ञापन दिया है 6 घंटे निर्बाध बिजली मिले और बिना ट्रिपिंग के। और बड़ा फीडर होने के कारण इस फीडर को 2 पार्ट में किया जाए, एक अलग फीडर हो जाए शिवपुरा, रायदनो, चात्रा, मांजरा, इनके लिए अलग फीडर हो जाए, जोशियात, भवाद, दोणदा, इनका अलग फीडर हो जाए, तो वोल्टेज की जो समस्या है ये भी कम हो जाएगी और बिजली है वो निर्बाध रूप से इनको पूरे वोल्टेज के साथ मिले। इन मांगों को लेके हमने एसी साहब को ज्ञापन दिया और एसी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि सैंक्शन हो गई है, अलग फीडर करवाने की सैंक्शन आ गई है और जल्द ही अगले 1 हफ्ते में अलग फीडर करवा दिया जाएगा। कई ग्रामीण का ये भी कहना है कि हमने लोन उठाया है, कैसे भरेंगे, इसके बारे में क्या कहना आपका? अगर यही हालात रहे तो वैसे भी देखी जाए तो इस गहलोत सरकार ने वादा भी किया था किसानों के कर्ज माफी का। 1 से 10 तक राहुल जी यहाँ गिनती भी करके गए थे कि 1 से 10 गिनों के तो कर्जा माफ़ कर देंगे 10 दिनों में, लेकिन पिछले 4 साल से देख रहे हैं न कर्जा माफ़ है, न किसानों को पूरी बिजली मिली, न MSP है, कुछ भी नहीं है। सरकार किसानों का पूरी तरह से शोषण कर रही है। ये तो एक भगवान ही है जो किसानों के साथ है, वो भी अभी पिछले 15 दिनों से रूठा हुआ है। अगर बारिश समय पर होती है तो किसानों का कुछ खेतों में अनाज हो जाएगा, नहीं तो इस बार सरकार के भरोसे या बिजली बोर्ड के भरोसे तो सारी की सारी फसलें वो चौपट होने के कगार पर है। ये थे खींवसर विधानसभा क्षेत्र के पांचोड़ी गांव के ग्रामीण थे, किसान थे, और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे है वो विद्युत को लेकर इनकी सुधार नहीं की जाती है तो इनको आत्महत्या जैसे कि कदम उठाने पड़ सकते हैं।